बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब लोग। जायके के सफ़र में बहुत बहुत वेलकम। आज मैं बना रही हूँ सूप, गाजर और टमाटर का सूप। सर्दियों में सूप बहुत ही टेस्टी लगता है और पीना भी चाहिए, बहुत पोषक तत्व से भरे होते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। ये देखिए, हमने बटर लिया हुआ है 50 ग्राम, और ये 1 कप दूध है, और कुछ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, टमाटर में हमने इस तरह से कट लगा लेना है हल्के से। कोशिश कीजिएगा सूप बनाने के लिए टमाटर सुर्ख रंग के हों, तो सूप का कलर अच्छा आएगा। अब ये बाउल में हमने पानी उबलने के लिए रखा हुआ था, इसमें हमने टमाटर डाल दिया 2 मिनट के लिए। देखिए टमाटर उबल गए। अब एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाला है, बटर डालकर इसमें गाजर जो है हमने देखिए काट ली है इस तरह से, और काट के गाजर को थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बटर में भून लेंगे। इससे ना हमारा सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो गाजर को ऐसे भी जो है पीस सकते हैं बिना रोस्ट किए हुए, लेकिन अगर हम बटर में रोस्ट करके बनाएंगे तो सूप का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। बस देखिए, अब हम इसको फ्लेम बंद कर देते हैं। अब ये देखिए, टमाटर निकाल लिए थे पानी से, टमाटर का छिलका देख रहे हैं आप अलग हो गया, इसको हटा देंगे हम। और इसको हटा करके टमाटरों को काट लेंगे बड़े बड़े पीस में, एक टमाटर के 4 पीस कर लेंगे। ये देखिए, जग में हमने डाल दिया टमाटर कटे हुए और ये गाजर। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम दूध भी जो हमने लिया हुआ था 1 कप, वो दूध हमने इसमें डाल दिया। दूध डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब देखिए, पैन में हमने बटर बाकी बचा हुआ डाल दिया, और ये हमारा पेस्ट है। इसको हम ये देखिए, ये छन्नी में छान के इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा, ये देखिए निकल आया अच्छा सा सूप ये। अब इसमें 1/2 चम्मच हमने नमक डाला हुआ है, और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डाल दिया है, 1/2 चम्मच देखिए हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब हम इन सबको मिला लेंगे, और एक उबाल आने तक के इसको पकाएंगे फ्लेम में। ये देखिए उबाल आ गया, अब हम बंद कर देते हैं फ्लेम। चलिए अब हम गर्मा गर्म सूप बाउल में निकालते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी सूप बना है। बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप बच्चों को पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है हमारे हेल्थ के लिए, तो बच्चों को आप इस तरह से सूप बना करके दीजिए, बहुत ही पसंद आता है। ऊपर से इसको अच्छा लुक देने के लिए हमने धनिया पत्ती से सजा दिया है। देखिए, आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हो उसमें, और भी टेस्टी लगेगा ये। आप सूप बनाइए सर्दियों में, टमाटर और गाजर दोनों ही हेल्थ के लिए बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, और बच्चों को दीजिए, खुद भी पीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये सूप। चलती हूँ, अच्छा मैं फिर आऊँगी। अभी तक ये आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ये बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिलेगी।